बहुत ही महत्वपूर्ण अलग अलग दल से आए हुए नेता उपस्थित हैं, जिनमें आदरणीय बड़े भाई नागमणि जी, अभी जिनका भाषण आप सब लोग सुन रहे थे, यहाँ उपस्थित हैं भगवान सिंह कुशवाहा जी, श्रीमती अश्वमेध देवी जी, राम बालक महतो जी, श्रीमती रोमा भारती जी, अनंत कुशवाहा जी, स्वीटी प्रिया जी, सुनीता शर्मा जी, आप सब लोग जो आज राम लखन बाबू को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, राम लखन बाबू के परिवार के सभी सदस्यगण, जिनमें से विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूंगा प्रशांत पंकज जी का, जिनके कारण ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझको भी इस अवसर पे दो शब्द कहने का। मेरे साथ चलकर आए हैं राम लखन बाबू से बहुत निकट के संबंधी भी हैं जेपी वर्मा जी, मित्रों, यह मौका कोई लंबा चौड़ा भाषण देने का नहीं है, हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं राम लखन बाबू को याद करने के लिए। तो सबसे पहले मैं राम लखन बाबू के चरणों में भारी मन से, दुखी मन से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भारी मन से, दुखी मन से इसलिए मैंने कहा कि अभी उनकी उम्र नहीं थी कि हम लोग उनकी पुण्यतिथि पर दो शब्द कहने के लिए उपस्थित होते हैं। अभी तो काफी दिनों तक हमारे बीच उनको होना चाहिए था, लेकिन चले गए हमारे बीच से साल भर पहले। तो हम लोग दुखी मन से उनको याद कर रहे हैं, याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। राजनीति में बहुत समय तक कोई एक साथ काम करने का अवसर मुझको व्यक्तिगत रूप से उनके साथ नहीं मिला था। हाँ, पहली बार मेरा आमना सामना उनसे हुआ था जब मैं चुनाव लड़ने के लिए दलसिंहसराय से आया था। हम लोग आपस में उम्मीदवार थे एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मैं उसके बावजूद, आमने सामने हम लोग खड़े थे, लेकिन उसके बावजूद बाहर के लोगों को जानकारी नहीं होती है वैसे समय पे, और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों की बात होते रहती थी, व्यक्तिगत बातचीत। और भले अलग अलग राजनीति की धारा में हम लोग थे, लेकिन उनके अंदर इतनी आत्मीयता थी कि व्यक्तिगत संबंध कभी प्रभावित नहीं होता था। यह बड़ी खासियत थी उनके अंदर। और आज जब उनको याद करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उनकी ऐसी खासियतों को आत्मसात करना चाहिए हम लोगों को। उनसे यह सीखने की जरूरत है पुण्यतिथि के अवसर पे। जीवन भर उन्होंने समाजवादी विचारधारा, जननायक कर्पूरी ठाकुर से जिसके बारे में उन्होंने सीख ली थी, उसके लिए काम किया। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रशांत जी ने अवसर दिया है दो शब्द कह के उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का। मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रशांत पंकज जी और उनके परिवार के जो और सदस्य हैं, उनको इस बात की प्रेरणा ईश्वर देते रहें कि वाणी के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करना तो बहुत ही आसान काम होता है। कोई भी आएगा और लंबी चौड़ी बात करके श्रद्धांजलि दे देगा। मौका उनको इस तरह का मिले कि वाणी के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात हो,
और कर्म के द्वारा जब भी श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात हो, प्रशांत पंकज जी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए आप आगे बढ़िए। रामलखन बाबू ने जो कुछ भी चाहा था, किया था, जो अधूरा उनका काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए वाणी के द्वारा भी ठीक है समय समय पर, लेकिन कर्म के द्वारा ज्यादा। उनके द्वारा जो किए गए काम थे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश आपकी हो, और उस कोशिश में जब भी कभी जरूरत महसूस कीजिए मेरे जैसे आदमी को खोजिए, हम हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे। आज की तारीख में यही संकल्प व्यक्त करते हुए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अच्छा आयोजन किया, और आयोजन अच्छा किया मतलब कार्यक्रम के इस रूप में भव्यता के बारे में नहीं, बल्कि एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का आपने निर्वहन किया है, वरना कौन याद करता है। मूर्ति की स्थापना भी आज हो रही है, अनावरण होगा, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय काम है आपका। मूर्ति यहां स्थापित हो रही है, आगे आने वाली पीढ़ी हमेशा देखेगी, जो बच्चे यहां शिक्षण ग्रहण करने आएंगे देखेंगे कि रामलखन बाबू, और निश्चित रूप से देखेंगे तो उनके बारे में जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा उनके अंदर होगी, तो उससे भी उनको प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा काम आपने किया है मूर्ति की स्थापना करके, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मूर्ति की स्थापना आपने की है और उसके पहले जो बड़ी मूर्ति के रूप में यह शिक्षण संस्थान स्थापित है, मैं समझता हूं इसका महत्व बहुत ही अधिक है। इस शिक्षण संस्थान से जो निकलने वाली रोशनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा पंकज जी, कि कोई भी विद्यार्थी जो जिज्ञासा लेकर इस संस्था की ओर देख रहा हो, यहां से निकलने वाली रोशनी मुझ तक भी पहुंच पाए, और किसी पारिवारिक कारण से, व्यक्तिगत कारण से, आर्थिक कारण से अगर यह रोशनी यहां से निकलने वाली वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उस बाधा को दूर करके इसकी रोशनी को जरूर उस जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम कीजिए। मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि रामलखन बाबू सामाजिक न्याय की धारा पर चलने वाले थे, सामाजिक न्याय के मार्ग में भी सबसे बड़ी बाधा अगर कही है आज तो शिक्षा का अभाव, और उस अभाव को दूर करने के लिए बहुत बड़ी संस्था की स्थापना जीवन काल में उन्होंने की, उनकी कीर्ति है यह। इस कीर्ति की स्थापना के पीछे जो उनका मकसद था, सुदूर देहाती इलाकों में इस तरह की संस्था की स्थापना, सुदूर देहाती इलाकों में जरूरतमंद बच्चे हैं, जो संपन्न परिवार के लोग हैं उनके लिए तो कोई संकट नहीं, यहां नहीं स्थापित यह संस्था होती तो कहीं और जाकर लोग करते, लेकिन जो लोग जरूरतमंद है बाहर नहीं जाकर कर सकते, इसकी ओर देखेंगे तो जो लोग भी इसकी ओर, जो विद्यार्थी, जो अभिभावक इसकी ओर आशा भरी निगाह से देखेंगे, उनको कभी निराश नहीं होने दीजिएगा, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जब भी कभी लगे आपको आवश्यकता ऐसे कामों में मेरे जैसे आदमी की जरूरत, तो आप याद कीजिएगा, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से अंत में रामलखन बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का, जिन्होंने सारगर्भित रूप से कम समय में बहुत अच्छी बातें इस संस्था के लिए या मौजूद तमाम लोगों के लिए उन्होंने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब अभी तीन कार्यक्रम और बचे हैं, एक अभी सर्वधर्म प्रार्थना सभा, फिर शोक सभा और मूर्ति का अनावरण। इसीलिए मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा शुरू किया जाए।